गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे AIA PGET होम्योपैथी 2020 का क्वेश्चन पेपर। क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर इस साल ही हुआ है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे UPSC के पेपर के लिए, जो भी 20 दिसंबर को होने वाला है इसी साल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थोरेसिक डक्ट ड्रेन द फॉलोइंग एरियाज एक्सेप्ट। थोरेसिक डक्ट ड्रेन करती है लेफ्ट लोअर लिम को, लेफ्ट अपर लिम को, राइट लोअर लिम को, और हमें बताना है किसको नहीं करती। तो राइट अपर लिम को नहीं करती, इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शार्कोट आर्टरी ऑफ सेरेब्रल हेमरेज इज अ ब्रांच ऑफ। शार्कोट आर्टरी सेरेब्रल हेमरेज के लिए किसकी ब्रांच है? मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्राइन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ विच आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी किसकी ब्रांच है, ठीक है, कौन सी आर्टरी की ब्रांच है? एब्डोमिनल एओर्टा की, कॉमन इलायक की, एक्सटर्नल इलायक की या इंटरनल इलायक की। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है यूट्राइन आर्टरी कौन सी आर्टरी की ब्रांच है। तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, इंटरनल इलायक आर्टरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पासेस थ्रू। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन कहाँ से पास होता है? तो जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है बॉडी ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा नियर इट्स लोअर बॉर्डर, ये राइट आंसर है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन कह रहा है सेफेनस नर्व इज अ ब्रांच ऑफ फीमोरल नर्व। सेफेनस नर्व फीमोरल नर्व की ब्रांच है। स्टेटमेंट टू कह रहा है एक्सटेंसर डिजिटोरम प्रीवियस इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सम ऑफ फुट। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जैसा कि पता चल रहा है कि दोनों ऑप्शन सही हैं, तो फर्स्ट वन इज राइट, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल इज अ फ्लेक्सर ऑफ एल्बो जॉइंट डिस्पाइट बींग सप्लाइड बाई एन एक्सटेंसर नर्व। द राइट आंसर इज ब्रेकियो रेडियलिस। क्वेश्चन नंबर 14, द टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इज ट्रांसमिटेड थ्रू। द राइट आंसर इज फेशियल नर्व। क्वेश्चन नंबर 15, फीचर्स ऑफ कशिंग सिंड्रोम इंक्लूड हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, थिकनिंग ऑफ स्किन। द राइट आंसर इज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। क्वेश्चन नंबर 16, रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ बाइल द गॉल ब्लैडर बाइल व्हेन कंपेयर टू लीवर बाइल हैज मोर वाटर, मोर बाइल सॉल्ट, मोर कैल्शियम, मोर बाइकार्बोनेट। हेयर ऑप्शन बी एंड सी आर राइट। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन ए, ADH इज अ वाटर इनसॉल्युबल हार्मोन। रीजन आर, ADH इज अ पॉलीपेप्टाइड एंड नीड रिसेप्टर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन टू वर्क ऑन DCT। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जैसा कि आपको पता चल रहा है हेयर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, बेसोफिल रिलीज ब्रेडिकाइनिन, सीक्रेटिन, मेजर बेसिक प्रोटीन एंड हेपेरिन। स्टेटमेंट टू, इजोनोफिल रिलीज ब्रेडिकाइनिन, सीक्रेटिन, मेजर बेसिक प्रोटीन एंड हेपेरिन। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें आपको पता चल रहा है बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ वेट गेन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज, इट इज, राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, फैट डिपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 20, बोन ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम एपिफाइसिस इज कॉन्ड्रोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा, जॉइंट सेल ट्यूमर ऑफ बोन, ऑस्टियोसार्कोमा। द राइट आंसर इज जॉइंट सेल ट्यूमर ऑफ बोन। क्वेश्चन नंबर 21, अमंग द फॉलोइंग व्हाट आर द चेंजेस सीन इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। राइट आंसर इज सीरम आयरन डिक्रीज एंड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 22, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, मैच कार्सिनोजेनिक फैक्टर विद हिस्टोलॉजिकल टाइप। यहाँ पे इन्होंने लिस्ट वन में कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स दिए हैं और कौन सा हिस्टोलॉजिकल टाइप का कैंसर होगा वो लिस्ट टू में है, वो हमें मैच करना है। लिस्ट वन में हमारे पास है सोलर रेडिएशन, हेरिडिटरी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड बेंजीडिन। लिस्ट टू में है रेटिनोब्लास्टोमा, ब्लैडर कैंसर, बेसल सेल कार्सिनोमा एंड कार्सिनोमा सर्वे। प्रॉपरली अगर आप मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सोलर रेडिएशन किसे है, बेसल सेल कार्सिनोमा। हेरिडिटरी के लिए ऑप्शन है रेटिनोब्लास्टोमा। सी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए है कार्सिनोमा सर्विक्स एंड बेंजीडिन के लिए है ऑप्शन टू, ब्लैडर कैंसर। कॉमनेस्ट बेनाइन ट्यूमर ऑफ प्लेसेंटा इज एडिनोमा, कोरेंजियोमा, हिमाटोमा, पेपिलोमा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोरेंजियोमा। क्वेश्चन नंबर 24 है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन है केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन आर डिराइव फ्रॉम सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन। स्टेटमेंट टू है ल्यूकोट्रिन्स LTC4, LTD4, LTE4
and thromboxane A2 causes vasodilation. In the light of above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. नीचे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें जो आपका ऑप्शन थर्ड है जिसमें कहा है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, इट इज राइट. क्वेश्चन नंबर 25, एपोप्टोसिस इज आइसोलेटेड सेल इज एक्टिवेशन, डेथ, डीजनरेशन, रीजनरेशन. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेथ. क्वेश्चन नंबर 26, द डाई यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन टैटू इज क्रोमिक एसिड, कोबाल्ट, इंडियन इंक और वर्मिलियन. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्रोमिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 27, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट वन है, एडिपोसीव इज मोस्ट कॉमनली सीन इन बॉडीज इमर्ज्ड इन वाटर और इन अ डैम्प वार्म एनवायरनमेंट. स्टेटमेंट टू है, इन एडिपोसीव हाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट इनटू हायर फैटी एसिड अकर. इन द लाइट ऑफ अबोव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू, इट इज राइट. 28 में हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है. इसमें लिस्ट वन दी हुई है पॉइजनिंग की और लिस्ट टू दी है पोस्टमार्टम स्टेनिंग की, जिन्हें हमें मैच करना है. पॉइजनिंग में हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड नाइट्राइड. और बी जो लिस्ट है उसमें पोस्टमार्टम स्टेनिंग है ब्लूइश ग्रीन, चॉकलेट, चेरी रेड, डार्क ब्राउन. मैच करेंगे तो हमें पता चलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड में होगी चेरी रेड स्टेनिंग, बी फॉस्फोरस में होगी डार्क ब्राउन स्टेनिंग, सी हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर होगी ब्लूइश ग्रीन और डी नाइट्राइट के अंदर आपकी स्टेनिंग होगी चॉकलेट. क्वेश्चन नंबर 29, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज अजर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर. अजर्शन ए, विसरा शुड नॉट बी प्रिजर्व इन फॉर्मेल्डिहाइड. विसरा को फॉर्मेल्डिहाइड में प्रिजर्व नहीं करना चाहिए, ये अजर्शन है. रीजन आर है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक पॉइजन बिकम डिफिकल्ट. इन द लाइट ऑफ अबाउट स्टेटमेंट चूज अ करेक्ट आंसर. यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन ए. क्वेश्चन नंबर 30, क्विकनिंग इज फेल्ट बाय प्राइमरी ग्रेविडा अबाउट. क्विकनिंग फील होती है प्राइमरी ग्रेविडा में कौन से वीक में, तो ऑप्शन ए 18th वीक, इट इज राइट. गायनेकोलॉजी का वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 31, अरेंज द सीरीज ऑफ मूवमेंट्स इन नॉर्मल लेबर इन करेक्ट ऑर्डर. रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एंगेजमेंट, क्राउनिंग, डिलीवरी ऑफ द हेड बाय एक्सटेंशन. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो इसमें सबसे पहले है एंगेजमेंट होगा, फिर क्राउनिंग होगी, फिर डिलीवरी ऑफ हेड बाय एक्सटेंशन, देन रेस्टिट्यूशन और लास्ट में एक्सटर्नल रोटेशन. क्वेश्चन नंबर 33, पाउडर बर्न आर पैथोग्नोमिक ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. क्रॉनिक PID, पेल्विक एंडोमेट्रोसिस, TB जेराइटल ट्रैक, यूट्राइन फाइब्रॉइड. राइट आंसर इज पेल्विक एंडोमेट्रोसिस. क्वेश्चन नंबर 34, हाई रिस्क फैक्टर्स फॉर प्लेसेंटा प्रीविया आर प्राइमरी ग्रेविडा, स्मोकिंग, मेटरनल एज ग्रेटर देन 35 ईयर्स, प्रायर क्यूरेटेज, अफ्रीकन वूमेन. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो हियर ऑप्शन बी सी डी, स्मोकिंग, मेटरनल एज ग्रेटर देन 35 ईयर एंड प्रायर क्यूरेटेज, दीज थ्री आर राइट. क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे हमें दो लिस्ट दी हुई हैं जिनका मैचिंग करना है, तो मैं आपको करेक्ट मैच सीक्वेंस बता देती हूँ. जर्म सेल ट्यूमर से है टेरेटोमा ऑफ ओवरी, सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर से है सीरस सिस्टोएडिनोमा ऑफ ओवरी, सेक्स कॉर्ड सेल ट्यूमर से है एरेनोब्लास्टोमा, सेकेंडरी ओवेरियन ट्यूमर है कौन सा बनता है, वेरी फेमस, इट इज क्रूकनबर्ग्स ट्यूमर. वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स. नंबर 36, अ 28 ईयर ओल्ड लेडी प्रेजेंट विद सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द सेम मे बी ऑटोजोमल ट्राइजोमी, बाइकॉर्नुएट यूट्रस, ल्यूटियल फेस डिफेक्ट एंड मोनोजोमी एक्स. द राइट आंसर इज बाइकॉर्नुएट यूट्रस. क्वेश्चन नंबर 37, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट वन कह रहा है ट्रिपल टेस्ट इंक्लूड मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन HCG एंड अनकॉन्जुकेटेड ईस्ट्रॉयल. स्टेटमेंट टू कह रहा है इट इज़ डन बिटवीन 30-32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. कौन सा सही है इनमें से? स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स. वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 38, द पैरामीटर फॉर अबगार स्कोरिंग आर हार्ट रेट, कलर, टेम्परेचर, मसल टोन, रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. इसमें आप देखेंगे सी टेम्परेचर नहीं है, हार्ट रेट, कलर, मसल टोन, रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी सबको कंसिडर किया जाता है अबगार स्कोरिंग में. क्वेश्चन नंबर 39, इन अ लेडी सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस द बेस्ट टाइम टू डायग्नो फॉर द डायग्नोस्टिक यूट्राइन क्यूरेटेज इज. द राइट आंसर इज डे 21 to 23 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल.
नंबर 40, विच रीनल स्टोन आर कैरेक्टरिस्टिकली रेडियोल्यूसेंट? सिस्टाइन स्टोन, ऑक्सलेट स्टोन, फॉस्फेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन. इन चारों में से कौन से रीनल स्टोन रेडियोल्यूसेंट होते हैं? यू मस्ट नो दे आर यूरिक एसिड स्टोन्स. क्वेश्चन नंबर 41, अमंग द फॉलोइंग विच ऑर्गेनिज्म इन्वेड इंटैक्ट कॉर्नियल एपिथीलियम? तो राइट आंसर है इसमें कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया. क्वेश्चन नंबर 42, कर्लिंग्स अल्सर इज एक्यूट पेप्टिक अल्सर विच डेवलप फ्रॉम मेजर बर्न. इट इज राइट. क्वेश्चन नंबर 43, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज अजर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर. अजर्शन ए, पेन ड्यू टू यूरेट्रिक कैलकुलस इज रेफर्ड टू द एंटीरियो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई. रीजन आर, कॉमन इनर्वेशन ऑफ लोअर यूरेटर इनर साइड ऑफ अपर पार्ट ऑफ थाई इज थ्रू जेनाइटो फीमोरल नर्व. इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. हेयर यू नो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, assertion reasons आर ट्रू, बट एंड आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए assertion. क्वेश्चन नंबर 44, अ 30-year-old मेल प्रेजेंटेड विद पेनलेस स्वेलिंग इन द राइट groin रीजन. ऑन examination, द स्वेलिंग एग्जिबिट impulse ऑन कफिंग एंड reducibility. द स्वेलिंग does not come out on cuffing when the deep inguinal ring is occluded. The probable diagnosis is indirect inguinal hernia. Question number 45, consider the following statement regarding Raine's test. It is positive in case of normal hearing, positive in sensory neural hearing loss, negative in conductive hearing loss, negative in otosclerosis, positive in perforation of tympanic membrane. Choose the correct answer from the options given below. Here A, B, C, D only are correct. Question number 46, a 25-year-old cyclist was struck in a road accident and is brought to the hospital. On examination, his perineum and scrotum are swollen and bruised. There is a streak of blood as the external meatus and he is unable to pass urine. The patient most likely has. The right answer is pelvic fracture. Option D is right. Number 47, a 40-year-old lady presented with colicky abdominal pain in the right upper quadrant of abdomen radiating backward to right shoulder blade. She gave history of food intolerance to fat and flatulence. The most probable diagnosis is, right answer is biliary colic. Question number 48, given below are two statements. Statement 1 कहता है basal cell carcinoma arises from the basal layer of rete malphigi of the skin. Statement 2 कहता है basal cell carcinoma spread rapidly through lymphatics and the blood vessel. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Question number 49, given below are the two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A, diarrhea is a feature of 30% patient with medullary carcinoma of thyroid. Reason R, in the medullary carcinoma of thyroid, the tumor cell produces 5-hydroxytryptamine or prostaglandin. In the light of above statement, choose a correct answer from the option given below. Here, both A and R are true. And R is the correct explanation of option A. Hence, you can see. Question number 50. Given below are two statements. Statement 1 kehta hai retinoblastoma is the most common intraocular tumor of childhood. Statement 2 kehta hai retinoblastoma gene has been identified as 14 band on the long arm of chromosome. So, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Number 51, a 60-year-old male with a history of myocardial infarction present with sudden onset pain in the right leg. On examination, the leg is cold to touch, peripheral leg pulsations are absent, and he can't raise his legs. The most probable diagnosis is arterial occlusion. Question number 52, given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Assertion A, verification of the diagnosis is the first step in the epidemic investigation. Reason R, epidemiological investigation should be delayed till the laboratory results are available. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. The right answer is A is correct and R is not correct. Question number 53, home-based pregnancy test kits was labeled under NRHM by the name of Nischay is the right answer. क्वेश्चन नंबर 54, इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना है. हमारे पास दो लिस्ट दी गई हैं. लिस्ट वन में हमारे पास है सेंटलाइ, फ्ली, हार्टिक, सॉफ्टिक. लिस्ट टू में हमारे पास है बिबोनिक प्लेग, रिलैप्सिंग फीवर, ओरिएंटल सोर एंड रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर. तो देखिए आपको राइट आंसर बता देते हैं. सेंटलाइ से है ओरिएंटल सोर, फ्ली से है बिबोनिक प्लेग, हार्टिक से है
रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर और सॉफ्ट टिक से है रिलैप्सिंग फीवर। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 55, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व द टोटल एरिया ऑफ कर्व इज 100। स्टेटमेंट 2, इन स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व द मीन मीडियन एंड मोड ऑल कोइंसाइड। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे आप समझ सकते हैं स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। नंबर 56, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एप्सटीन बार वायरस इज एसोसिएटेड विद बर्किट्स लिम्फोमा। एप्सटीन बार वायरस इज एसोसिएटेड विद नेसोफ्रेंजियल कार्सिनोमा। मंगोल्स आर मोर लाइकली टू डेवलप ल्यूकेमिया देन नॉर्मल चिल्ड्रन। थर्मोग्राफी इज मोर सेंसिटिव टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग देन मेमोग्राफी। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं? ए बी सी जो है यहाँ पे करेक्ट है, डी इज इनकरेक्ट। नंबर 57, विच अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन इज लीस्ट सेंसिटिव टू हीट। हेपेटाइटिस बी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा, ओरल पोलियो वैक्सीन। द राइट आंसर इज हेपेटाइटिस बी इज लीस्ट सेंसिटिव फॉर हीट। क्वेश्चन नंबर 58, विल्सन्स डिजीज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम, एक्स लिंक। द राइट आंसर इज ऑटोसोमल रेसेसिव। 59 क्वेश्चन, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर इज एयरबॉर्न, ब्लड बॉर्न, ड्रॉपलेट, फीको ओरल रूट। द राइट आंसर इज फीको ओरल रूट। नंबर 60th में भी दो लिस्ट दी हुई हैं। यहाँ पर लिस्ट 1 में है नियासिन, थियामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B12। लिस्ट 2 में इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं जैसे बेरी बेरी, प्रीनिशियस एनीमिया, प्लीगेरिया, स्कर्वी। आपको इनको मैच करके बताना है किसकी कमी से क्या हो रहा है। तो देखेंगे नियासिन से तो प्लीगेरिया है, थियामिन डेफिशिएंसी से बेरी बेरी है, एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से स्कर्वी है, एंड विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से प्रीनिशियस एनीमिया है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 61, अ 12 लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम शोड नॉर्मल एट्रियो वेंट्रिकुलर रेशियो एंड अबनॉर्मली लॉन्ग PR इंटरवल। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 62, द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ आइसोलेटेड अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलरुबिनेमिया इन द एब्सेंस ऑफ हिमोलिसिस इन एन अदरवाइज हेल्दी पेशेंट इज, इट इज गिलबर्ट सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 63, डिस्निया अकम्पनीड बाय कॉफ विद प्रोडक्शन ऑफ थिक ब्राउनिश लक्स ऑफ म्यूकस इज टिपिकली फाउंड इन, इट इज फाउंड इन एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस इज द राइट आंसर। नंबर 64, अ 65 ईयर ओल्ड मेल विद हिस्ट्री ऑफ एक्सर्शनल डिस्निया एंड चेस्ट पेन डेवलप सिंकोप वाइल वॉकिंग। एग्जामिनेशन रिवील्ड अ स्लो राइजिंग लो वॉल्यूम कैरेटेड पल्स एंड एन इजेक्शन मिड सिस्टोलिक मर्मर। The most likely diagnosis is aortic stenosis. Question number 65. Which of the following statement are true for chronic obstructive pulmonary disease? A. Changes in large airways causes cough and sputum. B. Mucus gland and large and goblet cell hyperplasia cause airflow limitation. C. Major site of increased resistance is an in airway of less than 2 mm diameter. D. Sentriacina emphysema is frequently associated with cigarette smoking. Choose the correct answer from the options below. इसमें सही जो स्टेटमेंट थे वो ए सी डी आर करेक्ट, बी इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 66, इन क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी द सीरोलॉजिकल मार्कर विच कोरिलेट विथ लेवल ऑफ लीवर इंजरी एंड रिस्क ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन इज HBV DNA। क्वेश्चन नंबर 67, स्ट्रोक मैनिफेस्टिंग विथ प्योर सेंसरी सिम्टम रिजल्ट फ्रॉम इन्फार्क्शन ऑफ। द राइट आंसर इज वेंट्रल पोस्टीरियो लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। नंबर 68, थॉट ब्रॉडकास्टिंग इज नोन टू बी एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ। द राइट आंसर इज शाइजोफ्रेनिया। क्वेश्चन नंबर 69, अ मिडिल एज फीमेल प्रेजेंटेड विद इंटरमिटेंट पेन एंड स्वेलिंग इन फिंगर जॉइंट एंड फोटो सेंसिटिव रैश ऑन फेस, डिटेक्शन ऑफ विच ऑटो एंटीबॉडी is most important for diagnosis in above case. The right answer is anti-nuclear antibodies. Question number 70, which of the following statement regarding bronchial asthma are correct? Peak incidence of asthma is in childhood. Lower level of infection in early childhood increases the risk of asthma. C. Allergic reaction to food lead to increased asthma symptoms. D. Exercise is a common trigger of asthma in children. E. The most common allergen to trigger asthma are pollen. Choose the correct answer from the options given below. Here, option A, B, D only are right. Question number 71. The most widely used test for diagnosis of stable angina pectoris is? Right answer is exercise ECG. Number 72. The CSF analysis of patient revealed WBC count more than 1000 per microliter. The most likely cause is bacterial meningitis is the right answer.
Question number 73. A middle-aged female presented with persistent productive cough with production of thick tenacious sputum. Examination revealed wheezing on lung, auscultation and clubbing of fingers. Her chest x-ray showed tram track sign. The most likely diagnosis is bronchiectasis. Question number 74. Acute cerebral or bacillar meningitis with threatened effusion, nocturnal hallucination, wakes from sleep frightened, screaming. When APIS and helluborus or sulfur, though selected, fail to improve, is a symptom of tuberculinum. Question number 75. A man aged 40 years came to OPD complaining of headache, vertigo, with a sense of stupefaction because of which he was unable to think or perform any mental labor, and the headache was apt to be worse on exposure to the sun rays or under gas light. The patient was greatly depressed in spirit, wholly occupied with sad thought. Suggest the remedy for the following option. The right answer is natrum carb. Number 76. Children pale, rachitic, dwarfed and stunted in growth, mentally dull and weak is found in. The right answer is medurinum. Question number 77. According to J.T. Kent, the antidote for the poisonous effect of sting of honeybee in persons who are sensitive to it. The right answer is carbolic acid. Question number 78. Which of the following is the vegetable analog of macphos? The right answer is chamomilla. Question number 79. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A. Spigelia is a good remedy for symptoms due to presence of worm. Reason R. Neuralgia of fifth nerve is very prominent in its effect. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. The right answer is both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Question number 80. यहाँ पे हमें match the following दिया हुआ है. यहाँ पे list 1 में हमारे पास medicines के नाम हैं और list 2 में उनकी family है जिन्हें हमें match करना है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम सीधे मैचिंग आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ. पोडोफाइलम की फैमिली है बर्बेरिडेसी, लीडमपाल की फैमिली है एरिकेसी, कोका की फैमिली लीनी और सिम्फाइटम की बोरिग्नेसी है. नंबर 81. वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट लाइंग ऑन राइट साइड फॉलोड बाई ड्राउजीनेस एंड प्रोस्ट्रेशन इज अ सिम्टम ऑफ. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स इन द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर एंड अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम कीनोट एलेंस मटीरिया मेडिका. द राइट आंसर इज एंटीमटार्ट. Question number 82. Headache begins in the occipital, extend overhead. Headache of schoolgirl aggravated 10 to 11 a.m. or 4 to 5 p.m. The indicated remedy is magnesia foss. Next question. Loose cough with badly smelling sputa and the breath and sputa smell badly to the patient himself is a characteristic feature of sanguinaria ken. Question number 84. Jo ekon match the following list hai. List 1 or list 2 di hui hai. Hum directly right options ki baat karenge. पहला ए है पॉइंट लिस्ट वन का, रूमेटिक ट्रबल्स विच आर एग्रेवेटेड इन फॉल और स्प्रिंग व्हेन द एयर इज फुल ऑफ मेल्टिंग स्नो. इसका राइट ऑप्शन है थर्ड, कैल्केरिया फॉल. बी है अफेक्शंस फ्रॉम सडन सरप्राइजेस स्पेशली जॉयफुल सरप्राइजेस वेरी इमोशनल. इसका आंसर है कॉफिया. डिस्निया एग्रेवेटेड सिटिंग आफ्टर स्लीप इन रूम एंड बेटर बाय डांसिंग एंड वॉकिंग रैपिडली. इसका सही जवाब है सीपिया. Abuse of mercury in syphilis in massive doses, इसका सही जवाब है aurum met. Question number 85 है, this remedy is a cardiac stimulant affecting the peripheral vessel and coronary artery. The right answer is sicula. Question number 86, crop of small boils, intensely painful, successively appear in the nose, green fetid pus is a symptom of tuberculinum is the right answer. Question number 87. Painless hematuria, blood thoroughly mixed with urine, sediments like coffee ground, cloudy, smoky, albuminous, profuse, dark or black. This is a symptom of. The right answer is terebinthiana. Question number 88. According to lectures on Materia Medica by Dr. J.T. Kent on aconite, aconite is a short-acting remedy. Aconite is suited to the complaints that come on suddenly from the very cold weather of winter or from intensely hot weather of summer. C. Aconite belong to Rubiaceae family. D. Aconite is one of the best remedies for retention of urine in newborn. E. In aconite, everything tastes bitter except water. Choose the correct answer from the options given below. Here, C is wrong and A, B, D only are correct. Another question of match the following. Here, we have two lists. List 1 mein hume common names diye hain medicine ke aur list 2 mein medicine ke naam hai. Hume wo match karne hain. Main yahan pe aapko correct answer bata rahi hun. ए पोक रूट का नाम है फाइटोलेका, बी स्टोन रूट है कोलनसोनिया,
सी ब्लड रूट है सेंग्यूनेरिया, डी पिंक रूट है स्पाइजिलिया। नंबर 90, द एपरेंट सिम्टम्स कॉज्ड बाय एक्सेसिव ऑफ एप्रोप्रिएट होम्योपैथी रेमेडी ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन 50 मिलीसीमल स्केल ऑफ पोटेंसीज आर नोन एज, दे आर नोन एज शिंग सिम्टम्स। नंबर 91, अकॉर्डिंग टू हैनिमन सो कॉल्ड लोकल मेलेडीज बिलोंग टू द क्लास ऑफ, दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज। क्वेश्चन नंबर 92, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्यूट वायरल राइनाइटिस रिस्पॉन्ड टू इंडिकेटेड होम्योपैथी रेमेडी विद नो एग्रावेशन वॉट एवर, दिस कोरस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, फोर्थ केंट ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 93, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनाल्जेसिक इन अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेन इन अबडोमिन विद वोमिटिंग वर्टिगो एंड डिस्निया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 94, अ चाइल्ड कंप्लेन्स ऑफ कोलिकी पेन इन अबडोमिन बेटर बाय लाइंग ऑन अबडोमिन विद सोर स्मेलिंग स्टूल, ही वांट कांस्टेंट अटेंशन एंड मस्ट बी रॉक्ड और कैरीड, द प्रीडोमिनेंट मियाज्म इज साइकोसिस। नंबर 95, विस मेडिकेट्रिक्स रेफर टू नेचर सेल्फ हेल्प इन डिजीज। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, द राइट आंसर इज लेटेंट वर्ड ऑडियो सेपेरे वॉज इंट्रोड्यूस्ड। Number 97, given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A, the best proving of pure effects of simple medicine are those which healthy, unprejudiced and sensitive physician institute on himself with all caution. Reason R, stimulating drinks, spices and herbs soup should be given regularly to the prover during drug proving. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option. The right answer is A is correct but R is not correct. Question number 98, given below are two statements, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Assertion A, Hahnemann administered small dose of aconite as genus epidemicus in the epidemic of smooth scarlet in Congleuster in 1801. Reason R, Hahnemann has given directions for investigating the totality of symptoms of epidemic disease in organ or medicine. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. Here the right answer is A is false and R is true. Number 99, given below are two statements. Statement 1, the symptoms appearing during a pyretic interval of intermittent fever must be chief guide for the selection of most appropriate homeopathic remedy. Statement 2, a patient suffering from intermittent fever should be administered appropriate homeopathic remedy in the beginning of paroxysm. In the light of above statement, choose the most appropriate answer from the option. The right answer is statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Question number 100. Given below are two statements. Statement 1, alternating action of medicine is the alternating state of various paroxysm of its primary action. Statement 2 keh raha hai, homeopathic cure take place during the alternating action of medicine. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. The right answer is statement 1 is correct while the statement 2 is false. Consider the following statement regarding magnets and mesmerism. A. Hahnemann never recommended power of magnet for healing purpose. B. According to Hahnemann, too violent action of magnets can be antidoted by application of plate of polished zinc. C. Mesmerism is performed by massaging head and feet of patient. D. Negative mesmerism can be used to rouse patient from somnambulism. Choose the correct answer from the options given below. Here B and D only are correct. क्वेश्चन नंबर 102, अगेन एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है जिसमें दो लिस्ट है हमारे पास। लिस्ट वन में स्टॉलवर्ट्स के नाम दिए गए हैं और लिस्ट टू में उनसे एसोसिएटेड लॉजिक या प्रिंसिपल का नाम है। हमें मैचिंग करनी है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं। ब्राउजू जो है वो ब्लड लेटिंग से एसोसिएटेड है। लॉर्ड बेकन जो है इंडक्टिव लॉजिक से। सी हेरिंग जो है फर्स्ट होम्योपैथिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। और बोनिंग हसन जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ एनोलॉजी से एसोसिएटेड है। 103, in which of the following aphorism Hahnemann mentioned about the indiscriminate use of high potencies that bring about dangerous consequences? It is aphorism 276. Question number 104, in case of proving of narcotic substances, the symptoms are observed during which action of medicine? This is a very frequently asked question. They are secondary symptoms. Question number 105, given below are two statements. Statement 1, Hahnemann masterly work, chronic disease, their peculiar nature and their homeopathic cure. Describe the nature and cause of chronic disease along with their homeopathic treatment. Statement 2 says, in the chronic disease, Hahnemann stress upon the use of anti-miasmatic remedy and the miasm sees its causer, sees its effect. In the light of above statement, what is the appropriate answer? Statement 1 and statement 2, both are correct. Question number 106.
In which chapter of the Boning Hassan Therapeutic Pocket Book insanity is mentioned? The right answer is intellect. Question number 107. Pyromania is mentioned in which repertory? The right answer is Bogar Boning Hassan characteristic repertory. Question number 108. Which of the following cross reference is given for the rubric absent minded in Kent repertory? Absent minded ke liye kaun sa cross reference Kent repertory mein diya hua hai? Forgetful. Question number 109. First English repertory was published in Allentown by? पहली इंग्लिश रिपर्टरी एलन टाउन में किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? हेरिंग के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 110. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर. असर्शन ए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसेशंस और पेन इफ नोटिस्ड एट मैनी पार्ट्स कैन बी टेकन एज जनरल. Reason R, all the rubrics mentioned in sensation and complaint in general in BBCR are not pathological general. In the light of above statement, choose the most appropriate answers. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of assertion A. Question number 111. Given below are two statements. स्टेटमेंट वन कहता है ऑकवर्डनेस इज मेंशन्ड इन एक्सट्रीमिटी सेक्शन ऑफ केंट रिपर्टरी. ऑकवर्डनेस केंट रिपर्टरी के एक्सट्रीमिटी सेक्शन में आती है. स्टेटमेंट टू कहता है ऑकवर्डनेस इज मेंशन्ड इन माइंड सेक्शन ऑफ बीबीसीआर. बीबीसीआर के माइंड सेक्शन में ऑकवर्डनेस है. इन द लाइट ऑफ अबाउट स्टेटमेंट विच इज राइट. यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू है, दोनों रिपर्टरीज में सही जगह बताई है रूब्रिक की. क्वेश्चन नंबर 112. सकिंग द थंब इज मेंशन्ड इन विच चैप्टर ऑफ बोगर बोनिंग हसन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिपर्टरी. इट इज मेंशन्ड इन अपर एक्सट्रीमिटीज. क्वेश्चन नंबर 113. द ओनली रेमेडी mentioned in Boning Hassan therapeutic pocket book for aggravation from lemonade is selenium. Question number 114. How many gradations of medicine is given in the homeopathic therapeutic of diarrhea by James Bell? Isme aapko ek aur answer pata chal raha hai. Ye bhi question aa jata hai ki the homeopathic therapeutic of diarrhea kisne likhi hai. तो जेम्स बेल ने लिखी है. जेम्स बेल इसके राइटर हैं और इस बुक के अंदर फोर ग्रेडेशंस हैं मेडिसिंस को लेके. क्वेश्चन नंबर 115. ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जाता है. रिपर्टरी का क्वेश्चन है, प्लस ये क्लिनिकली भी आपको बहुत हेल्पफुल है क्योंकि आपको किसी भी सिम्टम का मतलब रूब्रिक कैसे अरेंज बनाएंगे, आप कैसे अरेंजमेंट करेंगे वो आपको आना चाहिए. क्वेश्चन पूछा है हाउ विल यू अरेंज द रूब्रिक फॉर शियाटिका पेन विच इज एग्रावेटेड इन द मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू केंट रिपर्टरी. अब इन्होंने शियाटिका दिया है, एक्सट्रीमिटीज, लोअर लिम, पेन, मॉर्निंग. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. सबसे पहले इनका राइट आंसर है बी डी सी ए ई, मतलब सबसे पहले एक्सट्रीमिटीज, देन पेन, देन लोअर लिम, देन शियाटिका एंड देन लास्ट में आएगा एग्रावेशन मॉर्निंग. नंबर 116. मैच द फॉलोइंग है, दो लिस्ट दी हुई हैं. लिस्ट वन में हमारे पास रूब्रिक है, लिस्ट टू में चैप्टर है फ्रॉम केंट्स रिपर्टरी. सीधे साइड टाइम्स आंसर की बात कर लेते हैं. ऑरा एपिलेप्टिका ये कहाँ मिलेगा आपको केंट में? स्टमक में. डायरिया सेंसेशन एज इफ इट वुड कम ऑन ये कहाँ मिलेगा आपको? एब्डोमेन में. डायरिया इन चिल्ड्रन रेक्टम में. अबडक्टेड लाइज विथ लिम एक्सट्रीमिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैच द फॉलोइंग है. हमारे पास दो लिस्ट हैं जिन्हें हमें मैच करना है, तो हम सीधे राइट आंसर की बात करेंगे. केंट रिपर्टोरियम जनरल ये है कुंजल जोस्ट. होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी रॉबिन मर्फी. द फिनिक्स रिपर्टरी जे पी बख्शी. रिपर्टोरियम यूनिवर्सल रॉजर वॉन जेंडवॉट.
Question number 118. Which of the following chapter in Keynes' repertory does not start with the rubric daytime? It is respiration. Question number 119. The Concordance Repertory of the Materia Medica by William D. Gentry was published in the year. It was in 1890. Question number 120. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A. Symptoms which are expected to be present in a case but remain absent are called as negative symptoms. वो symptoms जो कि किसी केस में expected थे लेकिन नहीं पाए गए उन्हें negative symptoms कहा जाता है. Reason R. Long-standing symptoms which the patient think are a part and parcel of their normal functioning are known as accidental symptoms. इनमें से आपको पता चल रहा है ए तो सही है लेकिन आर जो है गलत है. जिनको पेशेंट पार्ट एंड पार्सल समझता है नॉर्मल फंक्शनिंग के लॉन्ग स्टैंडिंग सिम्टम वो एक्सीडेंटल सिम्टम नहीं होते. क्वेश्चन नंबर 121. द ओनली रेमेडी इन रूब्रिक श्रीकिंग स्क्रीम्स क्राइज आउट पैरोक्सिज्मल इन बोगर बोनिंग हसन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिपर्टरी इज इग्नेशिया. Who authored the first homeopathic pharmacopoeia? Question number 122. It was authored by Dr. C. Caspary. Question number 123. Drug power of moschus according to the new method of preparation of homeopathic medicine is 1 upon 20th. Question number 124. Which class of nozotes are prepared from microorganisms, viruses, clinical material from human convulsions or disease subject? तो कौन से होते हैं वो? It is N by 4th. Question number 125. यहाँ पे दो लिस्ट दी हैं. दोनों लिस्ट का हमको क्लास वाइज बताना है कौन सी मेडिसिन कौन सी क्लास में प्रिपेयर होती है. बेलेडोना जो है वो क्लास 1 में होती है. थूजा क्लास 2. सिक्यूला क्लास 3. And Staphylococcus class 4th. Question number 126. Arrange the following oils according to their descending saponification value. Choose the correct answer from the options given below. Inki saponification value ki descending order mein lagana hai. Coconut oil, olive oil, then almond and last linalool. Question number 127. Statement 1. An ideal prescription consists of 4 parts. That is superscription, inscription, subscription, signature. Statement 2. Signature part of prescription give directions to be given to the patient regarding the administration of drug. इसमें आप देख सकते हैं both statement 1 and statement 2 are true. Now next question, which is the last question of this video. Here again we have to match list 1 with the list 2. We will directly shift to the answer. Kallmann syndrome. It's low or absent GnRH. Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome. It is absence of uterus. Sheehan syndrome. Pituitary destruction of ischemia. Asherman syndrome. It is uterine chinche. Hopefully you have understood whatever I have taught you today. Thanks for watching.